पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मोहब्बत करने वालों को खालिद बट का सलाम मोहब्बत। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अर्सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 1974 में एक फिल्म का इफ्तिताह हुआ जिसका नाम था प्यास। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें मेरे उस्ताद मोहतरम एस टी जैदी साहब, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, सुल्तान राही साहब, मकरम साहब गोल्डन जुबली हिदायत साहब जिन्होंने इस फिल्म का इफ्तिताह किया, अमीत चौधरी साहब डांस डायरेक्टर जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और मैं इस फिल्म का एसोसिएट डायरेक्टर खालिद बट। फिल्म की शूटिंग 1975 में शुरू हुई। मैडम शबनम, शाहिद साहब, सुल्तान राही साहब अपने अपने पीक पर थे और डेट्स मिलना बेइंतहा मुश्किल थी, लेकिन हमीद चौधरी साहब की मोहब्बत और मेरे उस्ताद की इज्जत की वजह से उन सब ने डेटें देनी जो है वो शुरू कर दी। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारी एक रील आपने अक्सर सिनेमा में जब सेंसर सर्टिफिकेट आता तो लिखा देखा होगा 14 रीलें या 13 रीलें, उसका मतलब होता है कि ये एक रील जो है तकरीबन 980 फिट या 960 फिट यानी 1000 फिट के अंदर अंदर होती है, क्योंकि जिस पॉजिटिव पे वो प्रिंट होना होता है वो उस पॉजिटिव का डब्बा 1000 फिट का होता है। सो इसलिए इस फिल्म की लंबाई को 13,500-14,000 तक ये आइडियल लंबाई है ये रखने के लिए एक डब्बे में एक रील जो है वो प्रिंट कर दी जाती है। 6 नंबर रील जो है इसमें अमूमन इंटरवल आता है, ये बाज़ अवकात 400, 450 या 500 फिट तक ही रह जाती है, क्योंकि उसमें बाज़ अवकात इंटरवल जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है। सो जब हम फिल्म की शूटिंग करते हैं तो उसके बाद उसकी जो साउंड है वो मैग्नेटिक से टेप रिकॉर्डर से हम ट्रांसफ़र करते हैं साउंड नेगेटिव पे, फिर उसे डिवेल्प प्रिंट करवाते हैं, डिवेल्प करने के बाद उसे पॉजिटिव पे प्रिंट करवाते हैं, और फिर एडिटर साहब जो हैं उसकी एडिटिंग करते हैं और उस सीन के शॉट्स आगे पीछे क्योंकि शूट किए हुए होते हैं उनको लेके जोड़ा जाता है, और जब डायरेक्टर साहब फाइनल कर देते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसके 4 फ्रेम यहाँ से कम कर दो, इसके ये बढ़ा कर ये बिल्कुल फाइनल हो जाता है, तो फिर रीलें बननी शुरू हो जाएँ, और जहाँ रीलों के दरमियान में सफ़ेद रंग का वाइट पीस आता है उसका मतलब होता है यहाँ या तो गाना आना है या कोई सीन रह गया है वो आना है या कोई शॉट अभी लेने वाला है। सो हमारी तकरीबन 4 नंबर सीन रील में 2 सीन आगे पीछे के हो चुके थे, बीच का एक छोटा सा पोर्शन रहता था जिसमें शाहिद साहब बस्ती में जाते हैं जहाँ मैडम शबनम से उनकी मुलाकात होती है। इस फिल्म में एंड तक इंटरवल तक शबनम बेगम और शाहिद साहब एक दूसरे को देख नहीं पाते, यही कहानी का लुत्फ है, लेकिन चूँकि वो उनके घर जाके नॉक करते हैं तो चिक लगे हुए घर में जिसके ऊपर नीला रंग का कपड़ा भी है अंदर से बाहर नज़र नहीं आता, बाहर से अंदर नज़र नहीं आता, तो सिर्फ एक ही छोटा सा सीन था कि वो नॉक करते हैं तो वो अजमा महबूब साहबा जो शबनम मैडम था कि माँ का रोल कर रही थी वो काम से कहीं गई होती हैं, तो ये अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि वो आ जाती हैं और यो सीन जो है नजमा महबूब साहबा और शाहिद साहब के दरमियान चले जाते हैं, तो ये अगर हम सीन कर लेते तो हमारी 2 रीलें जो हैं वो कम्प्लीट हो जाती, और शाहिद साहब इस कदर मसरूफ थे कि उन्हें खुद भी पता नहीं था कि उस वक्त कितनी फिल्में कर रहे थे, और डेटें तो उन्होंने दी हो चुकी लेकिन सही पता नहीं होता था कि किसकी डेट पे वो पहुँचेंगे, कहाँ चले जाएंगे, मैडम शबनम हो, वही साहब हो, सेवा बेगम हो, मोहम्मद अली साहब हो, उनकी एक एक डेट जो होती वो कंप्लीट कीमती होती थी और टू द पॉइंट होती थी कि उस दिन उन्होंने नहीं होना, और शाहिद साहब इस कदर मासूम और प्यारे और मोहब्बती इंसान थे कि उनकी डायरी में डेट लिखी हुई है अलिफ की, जब वो वहाँ से आए हैं तो स्टूडियो में एंटर होते ही एक गलगला उठता था, शाहिद साहब आ गए, शाहिद साहब आ गए, शाहिद साहब, फिर कोई आगे बढ़ के उनसे कहता शाहिद साहब मेरा एक शॉट दे दो, जिधर तक उसे लाइट होती पही है वो उसके साथ चल पड़ते थे, वहाँ लाइट लाइट हो रही होती थी
तो इतने में कोई एक आदमी और आता है, शाह साहब का, वो उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला या प्यार करने वाला, वो उनको लेके बाहर आता था और गाड़ी में बिठा के वो निकल जाते थे। अब सारा स्टूडियो ढूंढ रहा है शाह साहब की ट्रेनें, शाह साहब की ट्रेनें, और फिर कुछ 2 घंटे के बाद पता चलता है कि शाह साहब शबाब स्टूडियो में, एवन्यू से निकल के शबाब स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ रहे। एक दिन शानू स्टूडियो में, चूँकि दफ्तर था हमीद चौधरी साहब का, मैं और हलैदी साहब हम वहाँ बैठे प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, तो अचानक उनका एक शागिर्द हमीद चौधरी साहब का भागा भागा आया, उससे सांस चली, उनकी सीढ़ियाँ चढ़ गया कि चौधरी साहब कहने में जल्दी से एवेन्यू आ जाए, उस वक्त मैडम शबनम और शाह साहब दोनों इकट्ठे उनके पास ही गाना कर रहे हैं। तो मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम शाह साहब को मोटरसाइकिल सिखाया और हम एवेन्यू पहुँचे। वो एस सुलेमान साहब के सेट पे काम कर रहे थे, सुलेमान साहब के और जहरी साहब के बहुत अच्छे मुलाजिम थे, उन्होंने देख लिया, अरे जहरी साहब आ गए, अली जान साहब लाइट रोक दो, अली जान उनके परमानेंट कैमरा मैन होते थे। और उसके बाद चाय का हुक्म दे दिया गया, चाय आ रही, तो उसके बाद मुद्दा बयान किया शाहिद साहब, अगर एक सीन आप करवा दें तो हमारी जो लीला है रीत जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। उन्होंने कहा हाँ जी, जब मर्जी, जब जब आप हुक्म करें। तो उन्होंने कहा कि हमें पूरी डेट नहीं चाहिए, आप टैडी शिफ्ट करें। टैडी उस वक्त ये था जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ एक्टर थे, उसी को 7 से 10 तक 3 घंटे किसी को देते थे, उनको टैडी कहलाती थी। फिर 10 बजे से वो उसके पास पहुँच जाते थे जिसकी डेट होती थी, और फिर 7 बजे से नाइट नाइट शिफ्ट भी हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि मैडम शबनम से पूछ रहे, शबनम बेगम ने कहा हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, हमीद चौधरी साहब इतने अच्छे और डिसेंट आदमी हैं, तो मैं कैसे। तो तय पाया कि जी कल सुबह ये टैडी शिफ्ट रखवा ली जाए, क्योंकि शान उस स्टूडियो के गेट पे ही वो सीन करना था, वहाँ बस्ती सी नज़र आती थी। तो हमीद चौधरी ने कहा कि शाह साहब वक़्त पे पहुँच जाओगे ना। उन्होंने कहा भाई बात दरअसल ये है, मैं तो आ जाऊँगा लेकिन कोई मुझे लाने वाला होना चाहिए। सुपुर्रा अफाल जो है मुझ पर निकला कि खाले साहब आप सुबह इनके पास चले जाइए और इनको लेकर। अब मैं उस वक्त इत्तेहाद कानूनी में अकेला रहता था, मुझे प्रोड्यूसर ने हमीद चौधरी साहब ने 10 रुपये दिए, 5 रुपये रक्षे में जाने दिए और 5 रुपये उस वक्त नीले गुम्बद पे 5 रुपये लगते थे 1975 में। मैं जहन में ये प्लान कर रहा था कि मैं अपने घर से निकल के यतीम खाना चौक जाऊँगा, वहाँ से 9 नंबर वैगन जो स्टेशन पर बैठी है उस पर बैठूँगा, 1 रुपया दूंगा, चैन मंदिर उतरूंगा और वहाँ से वॉक करके मैं नीले गुम्बद उनकी हवेली पहुँचूंगा और वापसी में तो उनके साथ ही आ जाऊँगा। सो इस तरह मुझे 9 रुपये बचेंगे, इस 9 रुपये से मैं ब्लेड भी ले सकता हूँ, कपड़े भी धुलवा सकता हूँ। सो बहुत सी बातें थी। तो दूसरे दिन सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे सर्दियों के दिन, लेकिन पड़ा सर्दी, मैं उठा, सनलाइट साबुन से सर धोया, मुँह हाथ धोया, नहाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि गर्म पानी नहीं होता था मेरे पास, बड़ा सीधा रहता था। सो मैं वहाँ से सर्दी में ठिठर रहा तकरीबन मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर यतीम खाना चौक था, वहाँ 9 नंबर वैन में जो बैठा हूँ, तो मेरी सीट वहाँ आई है जहाँ खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। सारे रास्ते ठंडी या हवा मुझे तड़पाती रही। जैन मंदिर उतर के मैं पुरानी नारकली में से गुजरा, पुरानी नारकली से फिर मैं नीले गुम्बद पहुँचा, नीले गुम्बद से नर्सों के हॉस्टल के साथ बहुत बड़ी हवेली थी शाह साहब की, ख़ानदानी नवाब थे। और आपको बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान बना है तो वो करनाल से हाई हेयर पूरी फैमिली जो है वो पाकिस्तान आई थी, इतने बड़े लोग थे वो, और उनके नाना जान डॉक्टर गुलाम भी उनको बड़ी बड़ी बाहर वाली पेटी जो है वो अलाट हुई। खैर सर, मैं अंदर एंटर हुआ तो एक खामोशी तारीफ थी, सब सोए हुए थे, जाहिर है सुबह सुबह 7 बजे का टाइम था। मैं आगे गया और उनकी हवेली का वो बड़ा दरवाज़ा जिसका तो 2.5-3 किलो वजनी कुंडा था वो मैंने खटखटाया, तो अचानक ऊपर से कौन, मैंने ऊपर देखा तो उस दरवाजे के ऊपर जो मेहराब थी उसके अंदर से शाहिद भाई झांक रहे हैं। तो कहने लगे कि हाँ भाई खालिद मियाँ आ गए, कह जी आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ अंदर। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया तो जितनी बड़ी ड्योड़ी थी इतनी ही बड़ी जगह थी जहाँ कुर्सियाँ भेज रखे हुए थे। मैंने कहा कि नाश्ता किया, मैंने कहा जी मैं अकेला रहता हूँ और सुबह सुबह तो मैं आपके पास आना था इसलिए, तो मैंने कहा बैठो चाय पियो फिर उसके बाद चल कर। तो मैंने देखा कि शाहिद साहब बिल्कुल शेव पी हुई है, सूट पहना हुआ, बिल्कुल तैयार।
तो जी उन्होंने खुद ही जाके अंदर से भाभी से कहा, उन्होंने चाय बना के दी, वो ट्रे में बिस्किट और वो रख के लेकर आए, पसंद कर रहे तुम चाय पियो तो फिर मुझे आवाज़ दे दो। वो अंदर चले गए, इन्हें चाय पी बिस्किट डुबो डुबो के चले वो खाए, और मैं कुदरत के भी कुर्बान जाता रहा, और शायद साहब की अखलाक और उसको भी कितना डिसेंट आदमी हो, मेरी जगह बगैर ही खुल जा रहे। जब कुछ 20-25 मिनट गुजर गए और वो अंदर से कोई सुन गुन नहीं आई, तो मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी, शाहिद भाई, जवाब नहीं आए। तो मैंने वो तबीज़ पर्दे लटके हुए थे उन दरवाज़ों पे जो अंदरून खाना खिलते थे, तो मैंने पर्दे के अंदर से हाथ डाल के दरवाजे पर थपथपाया और आवाज़ दी, शाहिद भाई। तो अंदर से भाभी साहबा की आवाज़ आई, जी भाई। मैंने कहा शाहिद साहब से चलिए, मैंने चाय पी ली है तो चलिए। मेरे भाई वो तो नहीं जा सकेंगे। मैंने कहा नहीं जी नहीं, वो हमीद चौधरी साहब की छूट है, तो मैं तो उनको लेने आया हूँ और वो तो तैयार भी थे। मैंने कहा नहीं भाई, वो नहीं जा सकेंगे, वो तो सो गए हैं। ठीक है भाभी है, वो कैसे सो सकते हैं, उन्होंने तो मेरे साथ जाना है। मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहीं नहीं जाना, उस वक्त तो वो आए ही थे। अब मुझ पर एक बिजली सी गिरी है। मैंने कहा तो आपने जगा दिया। उन्होंने कहा अब वो 12-1 बजे से पहले नहीं उठेंगे। तो मैं जिसे समझता रहा कि वो तैयार होकर आए हैं, वो ऑलरेडी किसी शूट से लेट पहुंचे थे और इसलिए वो तैयार नहीं कर रहे। मैं भाभी साहब का शुक्रिया अदा करके चलता हूँ। मुझे ज़्यादा दुख शूटिंग के कैंसिल होने का नहीं था, इस बात से होने का था कि अब मुझे 5 रुपये रिक्शे में दे के वापस जाना पड़ेगा। मेरे सारे ख्वाब मुस्मार हो गए। अगर मैं वहाँ से वैगन में बैठता, 1 रुपया देता, तो वो सानू से दूर उतारती है, और जब मैं पैदल जाता तो दूसरे के जहन में आ सकता था कि ये रिक्शे में नहीं गया या रिक्शे में नहीं आया। इसलिए मैंने रिक्शा करवाया और ठीक वहाँ पहुँचा जहाँ जैवी साहब पैक लगवा के कैमरा रख के और इंतज़ार कर रहे थे कि शाहिद साहब आए तो हमसे ही शुरू करें। तो मुझे उतरते देखे, कहा हाँ भाई शाहिद कहाँ है? मैं कहा सर वो तो तैयार थे लेकिन किसी और शूटिंग से तैयार आए थे और अंदर जा कर सो गए, और फिर भाभी ने कहा अब वो नहीं उठेंगे। 12-1 बजे से सो पैकअप करना पड़ी, प्रोड्यूसर को इस बात का दुख कि शिफ्ट भी देनी पड़ेगी, कन्वीनियंस से भी देनी पड़ेगी, सब कुछ है। और सिर्फ एक शख्स था जो कहकर लगा रहा था और हंस रहा था, वो थी मैडम शबनम। तो कहने लगी जैदी साहब अब किसकी बातों में आ जाते हैं, ऐसे कई वाकत हो चुके हैं, मैं तो आपके कहने के मुताबिक आ गई हूँ क्योंकि मुझे पता था वो नहीं आएगा। सो दोस्तों उसके बाद जो आके उन्होंने माजरत की है चौधरी साहब से, शहरी साहब से, लगता था कि कोई छोटा सा मासूम सा बच्चा है कि जो जो गलती कर बैठा है और अपने टीचर को वो सफाई पेश कर रहा है। इसी तरह शायद भाई यू आर अ वेरी नाइस गाय, और आप इंडस्ट्री में फरिश्ते थे, किसी को आपसे कोई न शिकायत थी न दुख पहुँचा है। हाँ अलबत्ता मेरा 4 रुपये का नुकसान किया। खुश रहिए, आबाद रहिए।